दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसके सबसे बड़े जज यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो इस तस्वीर ने भूचाल ला दिया। राजनीतिक गलियारों से लेकर पत्रकारों से लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों तक सब ने इस तस्वीर को लेकर अपनी अपनी राय रखी और अलग अलग राय रखी। ये तस्वीर अपने आप में बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से लेकर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर आरजेडी के सांसद मनोज झा से लेकर तमाम लोगों ने इस तस्वीर को किस तरह से लिया, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन पहले पूरा मामला बता देती हूँ दोस्तों। गणपति उत्सव चल रहा है और भगवान गणेश हम सबके घरों में विराजमान होते हैं, और जब भगवान गणेश घरों में विराजमान होते हैं तो आसपास के लोगों को न्योता दिया जाता है, और न्योता देने की ज़रूरत भी नहीं होती है, लोग खुद आते हैं भगवान गणेश भगवान गणपति के स्वागत के लिए और उनके दर्शनों के लिए। और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने घर में भी भगवान गणपति का स्वागत किया हुआ था, जिनके दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर गए और इसकी तस्वीर भी मोदी जी ने खुद ही शेयर की। हालांकि इस तस्वीर के भी कई मायने हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जल्द, तो मोदी जी ने ये तस्वीर दो भाषाओं में शेयर की, एक अंग्रेजी में और एक मराठी में। और मोदी जी ने सर पर जो टोपी पहनी हुई है ये दरअसल मराठी लोग पहनते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ भी पहनी जाती है, पहाड़ी लोग भी पहनते हैं लेकिन मराठी लोग भी पहनते हैं। तो लोगों ने इस टोपी पर भी बहुत से लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि मोदी जी जब भी चुनाव आते हैं तो उस राज्य के या तो कपड़े पहनने लगते हैं या उस राज्य के किसी शख्स की तरह या उस राज्य के प्रबुद्ध लोगों की तरह दाढ़ी बढ़ाने लगते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों इस तस्वीर पर कड़ी प्रतिक्रिया लोगों ने दी। लोगों ने इस तस्वीर पर सवाल उठाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ न्यायपालिका के एक तरह से सबसे बड़े मतलब हेड हैं, आप समझ लीजिए देश की सारी अदालतों से सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, तो उनके घर में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी क्यों है। इसे लेकर बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, जो कि इस सरकार की तीखी आलोचना भी करते रहते हैं, उन्होंने कहा यह चौंकाने वाला है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को एक निजी बैठक के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी, ये न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है। दोस्तों प्रशांत भूषण के अलावा इंदिरा जयसिंह देश की जानी मानी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। इसके अलावा दोस्तों लॉयर्स कलेक्टिव नाम की एक संस्था भी है इंदिरा जयसिंह की, आप सोशल एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं। एक ऐसे दौर में जहां पर कमज़ोरों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, उठाने वाला कोई नहीं है, इंदिरा जयसिंह जैसे लोगों ने लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपने ज्ञान के माध्यम से अपने हुनर के माध्यम से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इतनी वरिष्ठ वकील रही हैं, लगातार उन लोगों की मदद की है। लोकतंत्र पसंद लोगों में से एक आप इंदिरा जयसिंह का नाम ले सकते हैं। उन्होंने भी सीजीआई के घर में मोदी जी की मौजूदगी का विरोध करते हुए लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों से समझौता कर लिया है, सीजीआई की स्वतंत्रता पर से पूरा भरोसा उठ गया, एससीबीए को कार्यपालिका से सीजीआई की स्वतंत्रता के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित इस समझौते की निंदा करनी चाहिए। मतलब इंदिरा जयसिंह कह रहे हैं कि इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह मोदी जी को घर बुलाना, फिर उसकी तस्वीर को साझा करना, इस तस्वीर को सोशल मीडिया में शेयर करना, ये अपने आप में सीजीआई ने गलत किया है, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग मसले हैं। दोस्तों पत्रकारों ने भी इस तस्वीर पर अपने अपने तरह से बयान दिए हैं। जैसे वरिष्ठ पत्रकार और देश के जाने माने यूट्यूबर पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इस तस्वीर पर कहा, किस्मत की किताब तो खूब लिखी थी मेरे रब ने, बस वही पन्ना गुम था जिसमें तेरा जिक्र था। तो इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश यहाँ पुण्य प्रसून वाजपेयी कर रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, जिनको आप यूट्यूब चैनल डीबी लाइव में खूब सुनते होंगे, इन्होंने राहत इंदौरी साहब का एक शेर लिखा इस तस्वीर पर और कहा, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। दोस्तों इसके अलावा पत्रकार रणविजय सिंह ने तस्वीर पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जैसी पोशाक पहनी जाती है वैसी पोशाक पहनी है, जज साहब भी महाराष्ट्र से हैं, बाकी ये संयोग है कि महाराष्ट्र में कुछ महीने में चुनाव है। इसके अलावा दोस्तों आरजेडी के सांसद मनोज झा, उन्होंने इस तस्वीर पर लिखा, दिस इज द स्टेट ऑफ रिपब्लिक लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब ये स्टेट ऑफ रिपब्लिक है भाइयों और बहनों, बस इशारों में बहुत कुछ कह गए। इसके अलावा पत्रकार सौरभ दास ने बहुत ही लंबा नोट लिखा है इसमें कि एक ख़तरनाक संकेत है कि चीफ जस्टिस के घर में मोदी जी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं। इसके अलावा दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर, इनको भी आप डीबी लाइव में खूब सुनते होंगे, उन्होंने भी इस तस्वीर की एक तरह से विरोध करते हुए लिखा,
हमने ऐसे मैजिस्ट्रेट JMFC, CJM, सेशन जज देखे हैं जो जिस जिले में तैनात हैं वहाँ अगर कोई रिश्तेदार हैं तो उसे अपने घर बुलाने में या उसके घर जाने में भी परहेज करते हैं। बार की सालाना पिकनिक होती थी उसमें जाने से भी बचते थे। शादी ब्याह किसी भी तरह की पब्लिक अपीयरेंस को अच्छा नहीं माना जाता था। नेता मंत्रियों की हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे बात कर लें। भारत की न्याय व्यवस्था की नींव बहुत मजबूत थी मगर अब ऊपर से ही तोड़ी जा रही है तो नींव कहाँ बचेगी। तो लगभग आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा यहाँ पर लोगों ने इस तस्वीर का विरोध किया। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी इस तस्वीर का विरोध करते हुए कहा, संविधान के घर को लगी आग, घर के चिराग से ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सोमोटो हस्तक्षेप लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड पर जिक्र नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की बेल पर तारीख पे तारीख। ये सब क्यों हो रहा है, क्रोनोलॉजी समझिए। भारत माता की जय। हालांकि बहुत से लोग दोस्तों इस तस्वीर के अलग अलग मायने में निकाल सकते हैं। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक भक्त भी हैं और चंद्रचूड़ CGI होने के साथ साथ उनके घर में गणपति जी विराजमान हैं तो उनके घर में तो कोई भी आ सकता है। लेकिन जिस तरह के पद हैं ये दोनों, देश के प्रधानमंत्री और CGI, ये बहुत बड़े पद हैं दोस्तों। और हाल के सालों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ऐसे कई मामलों में बेहद या तो टिप्पणियाँ की हैं या सरकार को झटका दिया है जिसमें CGI की काफ़ी तारीफ हुई है। हालांकि कई मामलों में CGI को लेकर लोगों ने सवाल भी खड़े किए लेकिन कुछ मामलों में CGI की तारीफ भी हुई है। खास तौर पर चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन आपको याद होगा, कितनी तीखी टिप्पणियाँ CGI ने की और CGI ने उसके बाद वो जो पूरी वोटिंग की गिनती थी वो भी अपने सामने कराई और बाद में जो भी धांधली उसमें हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पकड़ी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही पकड़ी गई थी। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब मोदी 2.0 पिछली मोदी सरकार की सबसे बड़ी शर्मिंदगी के तौर पर निकल कर आई जिसमें CGI ने न केवल अलग अलग सुनवाइयों में बेहद तीखी टिप्पणी की बल्कि सरकार को मजबूर होना पड़ा कि चुनाव के दौरान भी मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उल जलूल बयानबाजी कर रहे थे। मतलब मोदी जी ने ये तक कह दिया कि ये तो मोदी था जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि देखिए चंदा आता है। और लेकिन आप कह सकते हैं मिली जुली प्रतिक्रिया इस पूरे के पूरे मसले पर थी लेकिन कुल मिलाकर लोगों ने इसका विरोध किया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की जिम्मेदारियां अलग हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज की तो वैसे भी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। माना यह जाता है कि अगर कभी ऐसा हो, लोकतंत्र में ऐसा संकट पैदा हो जाए कि जो कार्यपालिका है या फिर जो विधायिका है वो एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले या उसमें एक तरह की तानाशाही आ जाए या वहाँ पर किसी भी तरह से संविधान का पालन ना हो, तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है कि वो ना केवल देश में संविधान का पालन करवाए बल्कि देश संविधान से चले। मतलब कहा यह जाता है कि जब दूसरे स्तंभ देश भर के अगर कमज़ोर पड़ जाएं तो न्यायपालिका वो स्तंभ है जो इन दूसरे स्तंभों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाता है। और हाल के सालों में तो CGI ने कई गंभीर मसलों पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के सालों में मीडिया को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की हैं मुझे नहीं लगता आज़ाद भारत के इतिहास में कुल मिलाकर भी इतनी टिप्पणियां कभी हुई होंगी, पिछले 10 सालों में हुई हैं। लेकिन ऐसी तस्वीर क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट या फिर CGI की साख पर बट्टा लगाती हैं? जैसा कि प्रशांत भूषण ने कहा कि ये बहुत ही निराश करने वाली तस्वीर है, या इंदिरा जयसिंह ने कहा ये बहुत ही निराश करने वाली तस्वीर है, क्या वाकई में इस तरह की तस्वीरों से बचा जाना चाहिए था? हालांकि CGI इससे पहले भी मोदी जी के साथ उनके कितने घनिष्ठ संबंध हैं ये कई बार वो बता चुके हैं। कोविड के दौरान उन्होंने बताया था कि जब वो कोविड पॉजिटिव हुए थे तो मोदी जी ने उनको फ़ोन किया था और उनका हालचाल जाना था और उनको कई आयुर्वेदिक उपाय बताए थे जिससे उनकी काफ़ी मदद मिली थी। तो CGI वक्त बे वक्त बताते रहे हैं कि मोदी जी और उनके कितने घनिष्ठ संबंध हैं। फिर भी ये तस्वीर आपको पहली नज़र में देखकर कैसी लगी दोस्तों? क्या लोगों ने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया इस तस्वीर पर या फिर जो लोग कह रहे हैं वो सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।